जय हिंद दोस्तों और नमस्कार। फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। मैं चार पाँच दिन नहीं आ पाया तो कुछ कारण था जो मैं इस आ नहीं पाया, जो अपडेट नहीं दे पाया। तो मैं आप लोगों को मैं कारण बताता हूँ मैं क्यों आ नहीं पाया अपने चैनल पर। तो कारण ये था यार, जो मेरा फ़ोन था यार वो ख़राब हो गया था। मैंने आपको कई बार वीडियो में कहा कि जो मैं ब्लॉग बनाता हूँ मैं अपने फ़ोन से ही बनाता हूँ, मेरे पास तो कैमरा है नहीं कि मैं फ़ोन से बनाऊँगा, और इसीलिए मैं कोई अपडेट नहीं दे पा रहा था उसके। और मैं अयोध्या जाने वाला था, इस अयोध्या का टिकट था कल, लेकिन मुझे कैंसिल करना पड़ा यार, क्योंकि मेरे पास मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका था और बनने के लिए चला गया था। चार पाँच दिन बाद बन के आया फ़ोन, फिर देखते हैं आपको क्या अपडेट देना है, क्या आपको अपडेट नहीं देना है। और मैं फ़ोन चला ही रहा था और देख रहा था कि कितने लोग का कमेंट आया है, क्या कैसे क्या हुआ है। तो कमेंट आया है, कोई रूबी फातिमा है, अयोध्या से रहने वाले हमारे सब्सक्राइबर हैं, और कह रहे हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो बेशक मिलिए यार, बेशक मिलिए, क्योंकि मैं कल अयोध्या आता तो मिलता। मैं अयोध्या फिर आने वाला हूँ बहुत जल्द। टिकट ले मैंने लिया था 3 दिन पहले, मैंने किसान का टिकट लिया था अयोध्या तक, आपको अपडेट देनी थी ना, तो मैं देता उसे देखकर क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ है। तो मैं फिर टिकट लूँगा तो 3-4 दिन बाद देखूँगा, अगर सीट अवेलेबल रहती तो फिर दूँगा। फिर मैं अयोध्या पूरी प्लानिंग के साथ में जाने वाला हूँ और आप लोग को बताने वाला हूँ। और जो मेरा फ़ोन बना और मैंने एक चीज़ और देखी यार, कि जितना गैर आपके हो जाएंगे उतना आपके अपने नहीं होंगे। ये मैंने 4-5 दिन के अंदर मैंने देखा, उतना पैसा मेरे पास है नहीं कि मैं तुरंत फ़ोन बनवा पाऊँ, और मैं फ़ोन बनवाने के लिए मैं सबसे पैसे भी मांग रहा था सबका। तो सब ऐसा वैसा कह रहे थे कि ऐसा, मतलब देना कोई नहीं चाहता था, सब ऐसे कह रहे थे ऐसा है वैसा है वैसा है। और हमारे एक मित्र ने हमारा सहयोग किया, हमारे दोस्त हमारे भाई हमारे दिल के करीब हैं, जो मैं उनको भाई से बढ़कर मानता हूँ, उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, वो समझ जाएंगे अगर वीडियो देखेंगे तो। उन्होंने ही मेरा साथ दिया और उन्होंने कॉन्फिडेंस से कहा और उन्होंने मेरे अंदर हिम्मत डाली और कहा तुम मेहनत यार करते रहो, तुम मेहनत करते रहो तुम एक दिन खूब आगे जाओगे, तुम मेहनत करते रहो तुम एक दिन खूब आगे जाओगे। जो तुमको आज नहीं पहचान रहे हैं, जो तुमको आज बुरा भला कह रहे हैं, तुम एक दिन वही तुमसे मिलने के लिए तरसेंगे। लेकिन हाँ, अपनी मेहनत कम नहीं करनी है, अगर तुम जिस पे हॉबी हो जाओ उसको करके दिखाओ, और तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और मुझे उम्मीद है तुम इससे भी अच्छा आगे करके दिखाओगे। तो बड़ी खुशी मिली यार, कोई तो है साथ देने वाला जो इस तरह कह रहा है। नहीं, आज की दुनिया में कोई किसी का साथ देने वाला होता नहीं भैया, सब बस आपको गिराना सोचेंगे, आपको बनाना कोई नहीं सोचेगा। इसीलिए 4-5 दिन में नहीं आ पाया, तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मेरे काम को देखा और सहारा और बोला मेहनत करो आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही नाम कमाते रहो, अच्छा लगा। तो इसीलिए नहीं आ पाया था, यही कारण था। और जो लोग कमेंट करते हैं, मिलना चाहते हैं और अपडेट लेना चाहते हैं, तो अपडेट भी मिलती रहेगी, और मिलने वाली बात हुई तो अयोध्या में आऊँगा मैं, आपको बता दूंगा। आप तैयार रहना, मैं किस ट्रेन से आ रहा हूँ किस ट्रेन से नहीं आ रहा हूँ, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा मैं किस आ रहा हूँ, तो आप आराम से मिल सकते हैं। और क्लियर, बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपडेट के साथ, कुछ अच्छी अपडेट के साथ मिलते हैं। बहुत लोग अपडेट कुछ इंतजार है वो भी है। और हाँ भाई, एक खुशी और है कि 4-5 दिन में भर यूट्यूब पे नहीं आ पाया, लेकिन सब्सक्राइबर और हमारे कुछ लोगों ने हमको बहुत प्यार दिया। 4 दिन 400 सब्सक्राइबर, 4 दिन 450 सब्सक्राइबर बढ़े हैं सिर्फ 4 दिन ना अपडेट देने की वजह से, अगर मैं अपडेट देता तो और बढ़ जाते। तो यही अच्छा लगा सबका प्यार, अब 2500 के करीब सब्सक्राइबर हैं और बढ़ भी रहे हैं, अच्छा लग रहा है, सबका प्यार मिल रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए अच्छे सबसे अपडेट लेने के लिए। अगर सबका प्यार मिला तो फिर मैंने कहा था मैं जर्नी के लिए निकलूँगा, जर्नी के लिए निकल भी गया और फिर निकलूँगा अगर सबका प्यार मिला तो। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद
एंड गॉड ब्लेस यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय।